नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जी एस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे GS की सीरीज, 6:15 बजे एडिटोरियल करंट अफेयर्स और 9 बजे एक स्पेशल सेशन आपके लिए डेली लाया जाता है। तो 6:15 बजे हम एडिटोरियल करंट अफेयर्स का ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम जून 2021 से मई 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आज इसका प्रैक्टिस सेट 17 हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है मुंबई। वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा क्या था? वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा था GDP का 9.2%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है वो कौन सा है? ए पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र। पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र आप लोग बताएंगे ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2022 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या था? तो $634 बिलियन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जो है किस टीम ने तीसरी बार जीता? आंसर होगा ए तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की? आंसर हो जाएगा भारत गौरव ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन। हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मैगलेना एंडरसन को। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई? जल मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल के प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो सी सुजलम अभियान, सुजलम अभियान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो आंसर होगा सी सिक्किम। हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो कुछ व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो हम जानते हैं रोहित सदरदाना जो थे ये पत्रकारिता से संबंधित थे। इसके अलावा जगमोहन मल्होत्रा जो हैं ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी जो थे ये मशहूर सितार वादक थे। और चंद्रू तोमर जो हैं ये शूटिंग से संबंधित। तो हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, रोहित सरदाना पत्रकारिता, जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक और चंद्रू तोमर शूटिंग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किसे NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर होगा अलका उपाध्याय को। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो आंसर हो जाएगा बी पर्यटन मंत्रालय। किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई? किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई? तो आंसर होगा सी मिश्र में।
किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानीसी के लिए फिक्सन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानीसी के लिए फिक्सन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा सुजैना क्लार्क। आंसर होगा डी सुजैना क्लार्क। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हंटर वाइडेन है। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की? आंसर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, एक बार देखेंगे सभी और आंसर करेंगे। 17वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो आपका आंसर होगा सी शेख मुजीबुर रहमान। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो शेख मुजीबुर रहमान को इससे सम्मानित किया गया। और ये किस देश से संबंधित हैं, ये जो हैं ये किस देश से संबंधित हैं, तो बताना चाहूँगा ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख मुजीबुर रहमान। 18वां क्वेश्चन, बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा ए पुणे में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? आपका आंसर हो जाएगा सी मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। आंसर होगा सी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो आंसर होगा आपका डी 2030 तक। डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो डेविस कप टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट जो है इसका खिताब जो है रूस ने जीता है। किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया? किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जो है ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो आंसर होगा बी आइसलैंड। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? तो आंसर हो जाएगा सी गुजरात। किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की? किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की गई है सऊदी अरब के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी। किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? नवंबर 2021 में किसे कमीशन किया गया है? आंसर होगा INS विशाखापट्टनम को। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है? तो भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, इसका नाम रखा गया है शक्ति। आंसर होगा डी शक्ति। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली
पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? आंसर होगा डी अंशु मलिक। अंशु मलिक। कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, इनकी पहली विदेश यात्रा बांग्लादेश में हुई। निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निसार के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, ये भी ठीक है। यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ये भी ठीक है। और इसे वर्ष 2023 के शुरू में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तीनों ही क्या होंगे? तीनों ही ठीक हो जाएंगे। तो आंसर होगा डी, सभी सही हैं। निसार के संबंध में सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा सामिया सुलूस हसन को। किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो सामिया सुलूस हसन। छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन किया गया किन देशों के मध्य किया गया? तो आंसर हो जाएगा SCO देशों के मध्य। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? आंसर होगा डी नीति आयोग के द्वारा। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? आंसर होगा ए बांग्लादेश। देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर होगा बी आंध्र प्रदेश। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवेरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? तो आंसर होगा सी मंगल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ, भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ और 2020 में भारत का स्थान 112वां था। चारों ही कथन सही हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी आंसर हो जाएगा डी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान आइसलैंड को, भारत को 140वां स्थान, जबकि 2020 में भारत का स्थान जो था वो 112वां था। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा सी उड़ीसा। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन जो है मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया और बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरों को दिया गया। तो आंसर होगा डी, सभी सही हैं। PVC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? वैशाली एस हिवाशी को। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो वैरिफाई क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी मुकेश अंबानी। गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की?
तो गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की? आंसर होगा डी विरल देसाई। विरल देसाई। 44वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी? किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी? तो आपका आंसर हो जाएगा सी फ्रांस। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा सी अरुण। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया? किस कंपनी द्वारा जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया गया? आंसर होगा डी टाटा स्टील। अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई? अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई? आंसर होगा सी चार्ड। विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबद्ध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? विनोवा भावे सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबद्ध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा सी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। 32वां कॉरपोरेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो 32वां कॉरपोरेट नौसैनिक अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच, तो आंसर होगा ए थाईलैंड के बीच। आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो आंसर होगा द यूनिकॉर्न। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग।